गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट योर एग्जाम पीटी फर्स्ट इज कंप्लीटेड एंड वी आर चेकिंग कॉपीज योर्स. ओके, फॉर नेक्स्ट एग्जाम वी विल रिवाइज द सिलेबस, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. वी हैव टू रिवाइज चैप्टर्स दैट आर कमिंग इन द नेक्स्ट एग्जाम. द फर्स्ट चैप्टर वी आर टेकिंग फॉर द रिविजन इज चैप्टर 4, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. एज वी नो दैट जो भी हम लोग सराउंडिंग के अंदर देख रहे हैं, थिंग्स जो है दैट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट, लाइक लिक्विड स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, गैसेस स्टेट में भी हो सकता है, तो दे आर प्रेजेंट इन द टू स्टेट दैट में भी प्रेजेंट, दैट इज विजुअलाइज. हमको जो दिख रहा है वो कैसे हो सकते हैं, दैट मे बी ऑफ द मेटल और दैट मे बी ऑफ नॉन मेटल. या तो वो किसी धातु का है या वो किसी अधातु का, जिसका मतलब जो धातु से नहीं बना हुआ है, दैट इज नॉन मेटलिक. ओके, तो दीज आर अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं थिंग्स को. जैसे मान लो गार्बेज के अंदर बहुत सारी थिंग्स पड़ी है, प्लास्टिक की, लोहे की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की और रबर की, ये सारी चीजें जो गार्बेज के अंदर पड़ी हुई है, कलेक्ट करी हुई, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट एट मे बी देयर मेटल और नॉन मेटल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नॉन मेटलिक और मेटलिक. मेटलिक जो कैसी हो सकती है, हार्ड हो सकती है, नॉट फ्लेक्सिबल हो सकती है, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती है, ठीक है, कैसी है, सॉरी, हार्ड हो सकती है, शाइनी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर भी हो सकती है किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं हम लोग मेटल्स. जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सारे क्या है, थिंग्स कैसी है, मेटलिक थिंग्स हैं. एंड रबर, प्लास्टिक, पेपर, ऑल दीज आर नॉन मेटलिक थिंग्स. ठीक है, ऑल दीज आर नॉन मेटलिक थिंग्स. तो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल हम लोग एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर, या हम लोग लस्टर भी शॉर्ट फिजिकल स्टेट देखते हैं इसकी. फिजिकल स्टेट मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स कैसी, उसकी सॉलिड स्टेट में, और वो कैसी है, हार्ड स्टेट में हो सकती है. कैसे हो सकती है, अपीयरेंस कैसा है उसका, हार्ड है, वो हार्ड है, बट सम ऑफ द मेटल्स आर नॉट हार्ड. कैसी है वो, फ्लेक्सिबल. कैसी है, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट. ऑल द मेटल्स आर हार्ड बट एक्सेप्ट लाइक द सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स. इनका नेम, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे कैन बी कट विद द नाइफ, दे कैन बी कट विद द नाइफ, हेंस दीज आर नोन एज द फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट मेटल्स. आर यू अंडरस्टैंड में, मेटल्स आर जनरली हार्ड बट एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम आर द ऑल आर द हार्ड. इन तीनों को छोड़कर सारी कैसी है, हार्ड. ये कैसी है, सॉफ्ट मेटल्स हैं. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड में. दूसरी बात, फिजिकल स्टेट में एक आता है आपका स्टेट कैसी है, सॉलिड स्टेट है क्या, यस सॉलिड स्टेट, बट एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी जो है आपका वो क्या है, आपका हाइड्रोजीनियम जिसको बोलते हैं. मरकरी इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, वो लिक्विड स्टेट के रूप में है. आई बात समझ में. उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक स्टेट हो गई इसकी, उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसकी, दैट इज द लस्टर, दैट इज द लस्टर. लस्टर का मीनिंग होता है शाइनिंग, शाइनी अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंसेस और द मेटल्स इज नोन एज द लस्टर. शाइनी अपीयरेंस ऑफ द मेटल्स कैसा है, ये लस्टर है. ये क्या है, शाइन इन द अपीयरेंस. मेटल्स के अंदर क्या है, शाइन होते हैं, वो शाइनी होते हैं, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लस्टर. एंड लस्टरस मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर, प्लैटिनम. ये क्या है, लस्टर, शाइनिंग अपीयरेंस शो करते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर यूजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ज्वेलरी और द ऑर्नामेंट्स. इसका यूज होता है ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने में. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज शोइंग द, इसको दूसरा क्या है इसका, एक लस्टर है, उसके बाद में जो आपका क्या है, उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी जो है मैलेबिलिटी. कैसी है, मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी का मीनिंग है इट कैन बी
कन्वर्टेड इंटू शीट बाय बीटिंग, इसको पीट पीट कर हम लोग क्या कर सकते हैं, चद्दर की बना सकते हैं, इसकी एक शीट बना सकते हैं हम लोग. और इट इज दीज आर द मेटल्स दैट कैन बी मैलिएबल और दैट कैन बी ड्रोन इंटू डिफरेंट टाइप ऑफ शीट्स और थिन शीट्स. आर्यवस्त्र में फिल्म बना सकते, पतली पन्नी बनाई जा सकती है इनकी मेटल्स की. दैट्स व्हाई दीज आर द हाईली मैलिएबल सब्सटेंसेस. हाईली मैलिएबल मानते हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, इट इज द गोल्ड. गोल्ड इज द हाईली मैलिएबल सब्सटेंस, जिसको पीट पीट कर जितना लंबा चाहो उतना बढ़ा सकते हैं विदाउट कटिंग, ये कटेगा आपका नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इसका जस्ट अपोजिट क्या चल रहा है हमारा, नॉन मेटल. फिजिकल स्टेट नॉन मेटल से कैसे होती है, लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड, लिक्विड या गैसेस हो सकता है. बट एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट. ब्रोमीन कैसा है, नॉन मेटल है, जो किसमें है, लिक्विड स्टेट में होता है. ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है हमारी, फोर्थ वन इज डक्टिलिटी. क्या है, डक्टिलिटी. मेटल्स कैन बी ड्रोन इंटू लेंथी वायर्स, इनका क्या बनाया जा सकते हैं हम लोग, वायर्स बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं इससे. क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन. ओके, दीज आर द वायर्स. गोल्ड वायर भी होता है, चांदी का भी तार होता है, सिल्वर वायर भी होता है. तो वायर बनाने में जो प्रॉपर्टी आ रही है, दैट इज नोन एज द डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इंटू वायर्स. द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इंटू शीट इज मैलेबिलिटी, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इंटू वायर्स इज डक्टिलिटी. ओके, देन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल दैट शोज द शाइनिंग अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड लस्टरस. तो ये आपकी क्या थी, प्रॉपर्टी थी. आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एंड द मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किसके कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब क्या हुआ, दे कैन कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दम, दे कैन पास द इलेक्ट्रिक करंट टू दम, फ्रॉम दम टू दम. उसके अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. तो हम लोग ये बोलेंगे मेटल्स आर जनरली क्या, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट द नॉन मेटल दैट इज ग्रेफाइट, नॉन मेटल दैट इज ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल जो है आपका ग्रेफाइट है, दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, ये कंडक्टर है. मैं आपको हार्डनेस में बताना भूल गया, द डायमंड, डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. तो वो डायमंड जो है दैट इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल. डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल. एक नॉन मेटल जो है ये तो कार्बन का फॉर्मेशन है. एक और आपका जो वर्ल्ड का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट, जो जो एक तरह से ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं लोग, वर्ल्ड का जो सबसे हार्ड जो मटेरियल है उसको बोलते हैं कार्बोरेंडम. क्या बोलते हैं, कार्बोरेंडम. क्या बोलते हैं उसको, कार्बोरेंडम, जो वर्ल्ड का हार्डेस्ट है. ठीक है, आगे देखिए हम लोग, कंडक्शन हमारा हो गया. अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउज द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउज द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर इंसुलेटर्स ऑफ देम. ठीक है, ओके, आगे देखिए हम लोग, सोनोरिटी. सोनोरिटी नेक्स्ट पॉइंट इज सोनोरिटी. सोनोरिटी द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स टू प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड व्हेन द दीज मेटल्स आर स्ट्राइकिंग विद द सम अनदर ऑब्जेक्ट. किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ इसको अगर स्ट्राइक करें हम लोग, पीटें, उसके ऊपर बीटिंग हो, तो वो क्या करते हैं, स्विंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, तो क्या हम लोग बोलेंगे, मेटल्स आर जनरली सोनोरस व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. आई बात समझ में, ये आपका क्या था, हीट और इलेक्ट्रिसिटी.
डिफरेंस मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आप लोग खुद पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो द मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको बता दूं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अगर हम लोग मर्करी की बात करें, थर्मामीटर की बात करें हम लोग, तो द बॉइलिंग पॉइंट इट हैज 357 डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री तक इसको गर्म करेंगे तब जाके ये कैसा होगा, बॉइल होगा। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस इज ऑल्सो अप्रोक्स -39, तो ये जमेगा भी नहीं। आई बात समझ में, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, फ्रीजिंग पॉइंट इज वेरी लो, ठीक है। तो इतना नीचे टेम्परेचर तक ये फ्रीज नहीं होंगे और यहाँ पर क्या होगा, ये इतने गर्म टेम्परेचर पे ये उबलना स्टार्ट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इसका ये है, ठीक है। दैट्स वाई मर्करी इज यूजिंग एज अ थर्मामीटर की लिक्विड। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक एक रिएक्शन हमको बतानी है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स इज, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें द रिएक्शन विद, दोनों की बताता हूं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स विद ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन की बात करें, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद O2, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिएक्शन इज दिस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ कैन मेक देयर ऑक्साइड्स, बोथ मेक्स देयर ऑक्साइड्स विद द हेल्प ऑफ, व्हेन वी आर, व्हेन द मेटल इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड, ऑक्सीजन दोनों ही क्या करते हैं अपने अपने ऑक्साइड बनाते हैं, बट दीज आर ऑफ डिफरेंट नेचर इन द फॉर्म। कैसे होगा देखो, मेटल सपोज सोडियम इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड एज द सोडियम ऑक्साइड, ओके, इट विल मेक एज द ऑक्साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलिक ऑक्साइड, इट इज नोन एज द मेटलिक ऑक्साइड। एंड व्हेन द कार्बन इज ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ दिस, इट विल मेक द CO2, इट विल मेक्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इट इज द नॉन मेटलिक ऑक्साइड, इट इज द नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नेक्स्ट सपोज आई कैन से ये ऑक्साइड बना रहा है, हम लोग ऑक्साइड और किसका बना सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इट इज द कंबस्शन रिएक्शन, इट कैन रिलीज द हीट ऑल्सो, इट कैन इन्वॉल्व द प्रोड्यूस द हीट ऑल्सो, तो मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन, इट विल मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट विल मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। एंड द मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर और अल्कलाइन इन नेचर, वाइल द नॉन मेटलिक ऑक्साइड, वाइल द नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर ऑफ एसिडिक नेचर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स क्या कर रही है, एसिडिक, एसिडिक नेचर का होगा, और एसिडिक नेचर वाले क्या करते हैं, कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, व्हेन इट विल बी CO2, क्योंकि हमें CO2 की बात कर रहे हैं, CO2 अगर डिजोल्व कर रहे हैं हम लोग, तो CO2 डिजोल्व होने के बाद क्या बनाएगी, कार्बोनेट। दैट्स व्हाई यहां पर क्या होगा, दीज आर द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन, बोथ दीज सब्सटेंसेस कैन फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, बट द मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वाइल द नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट रिएक्शन विद H2O, रिएक्शन विद H2O, आ रही बात समझ में, नो मेटल्स जनरली मेक्स देयर हाइड्रोक्साइड्स, क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, बट दे रिलीज ऑल्सो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भी ये इवॉल्व करेंगे, आ रही बात समझ में, ठीक है। फ्रेश वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा क्या, यस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस को जब रिवॉल्व करेंगे तो ये बनाएंगे मेटलिक हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएंगे, मेटलिक हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएंगे, मेटलिक
हाइड्रोक्साइड. नॉन मेटल्स डू नॉट शो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन. नॉन मेटल्स क्या करती हैं, ये रिएक्शन शो नहीं करेगी. आई बात समझ. चलिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो रही है आपकी, एक आपका क्या है आपका करोजन वाली रिएक्शन बता रहा है वो. एक रिएक्शन और बताता हूँ, नॉन मेटल्स इसमें रिएक्शन नहीं कर रहे हैं. तो मैग्नीशियम प्लस H2O इट विल मेक्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है दिस वन. ओके ये हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाएगा. नेक्स्ट जो है आपका दैट इज द कोरोजन. कोरोजन देखो क्या है, कोरोजन का मीनिंग क्या होता है, वेन एवर द आयरन मटेरियल और द मेटलिक मेटल्स आर कैप्ड इन आउटर एनवायरमेंट और ओपन एनवायरमेंट दे कैन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन और द वाटर वेपर्स इन द एयर. अ लाइट ब्राउन कलर्ड लेयर विल फॉर्म्ड ऑन द मेटल्स. देखो क्या बोला है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अ कंटिन्यूस रिएक्शन ऑफ द सर्टेन मेटल्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिजल्ट्स द ईटिंग अवे ऑफ द मेटल सर्फेस. दिस प्रोसेस इज करोजन. उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, उसका रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. रस्ट के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करोजन. क्या बोल देते हैं हम लोग, करोजन. ठीक है आगे देखो, करोजन की बात अगर हम लोग करें तो करोजन की बात आ रही है किसमें, आयरन के केस में. पैटीना की बात करें तो इट विल बी इन द कॉपर कंडीशन. कॉपर की बात करें तो कॉपर वाले कंडीशन में जंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैटीना. ठीक है ये रिएक्शन आ गई. उसके बाद में आपके क्या है, मेटल्स की रिएक्शन है एसिड के साथ में, मेटल्स विद द एसिड्स. सोडियम रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल मेक द सोडियम क्लोराइड. सोल्ट बन गया, आर्यवास में सोल्ट बना दिया इसने. उसके बाद में अलॉन्ग विद द लिब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट विल लिब्रेट द हाइड्रोजन गैस. एसिड के साथ में मेटल रिएक्ट कर रहा है, यस. नॉन मेटल करता है क्या, नॉन मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा क्या, नहीं. ठीक है कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा किसके साथ में, एसिड के साथ में. अगर हम लोग दूसरी बात करें, सपोज को एसिड दूसरा मेटल देते हैं हम लोग Mg प्लस H2SO4 सल्फर के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या बना देगा ये, MgSO4 प्लस लिब्रेशन ऑफ H2. इस कंडीशन में क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये क्या बना देगा आपके, एक तरह से एसिडिक सॉल्ट बनेगा, मेटल का एसिड, मेटल का सॉल्ट बना देगा, मेटलिक सॉल्ट बना देगा. ठीक है नेक्स्ट इन द बेस, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है. सपोज करो, सपोज वे आर सेंडिंग द जिंक रिएक्ट विद द NaOH, इट इज द बेस, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्टिंग विद द जिंक, तो इट विल फॉर्म द सोडियम जिंकेट, इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट अलॉन्ग विद द लिब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. दोनों ही केसेस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा. तो जिंक विल, ये आपके रिएक्शन बनाए सोडियम जिंकेट, इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट. ठीक है ये आप क्या थे, रिएक्शंस थी. नाउ वी आर राइटिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम. ओके फर्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग, व्हाट आर द मेटल्स. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द नॉन मेटल्स, what are the non metals. third, what is lustre, what is lustre. question number 4, what are the uses of lustrous metals. Next one, which is the hardest non-metal. Sixth one, hardest in what? Okay. Write the names of soft metals. Which metal is present in a liquid state?
mercury is used as thermometric liquid. Why? Question number 9. What is the ductility? Question number 10. What is the malleability? 10 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. What are the conductors and insulators? Question number 2. 2. Electrical wires are covered with plastic. Why? What is sonority? What are the main differences between metals and non-metal? Question number 15. इंसुलेटर हो गया आपका. व्हाट वी कैन से अबाउट द मेल्टिंग प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स एंड non-metals? Question number 16. Boiling point की बात आ गई. What we can say about the density of metals and non-metals? What are the magnetic and non-magnetic Question number 18.
okay, these reactions you have to remember, or these questions you have to keep in your mind for the next upcoming exam. It is a revising chapter, you have to revise this chapter at your home. We will again come with the next questions. Okay, it is enough for today. Thank you, have a nice day.